बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जल जीवन हरियाली अभियान के 9 रथों को मुख्यमंत्री सचिवालय से रवाना किया है। ऑडियो वीडियो से युक्त इन वाहनों को लघु जल संसाधन विभाग ने तैयार कराया है। इन प्रचार वाहनों में LED स्क्रीन लगे हैं। इस स्क्रीन के माध्यम से लोगों को अभियान पर केंद्रित 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। रेडियो जिंगल और बैनर के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किए जाने का कार्यक्रम चलेगा। ये रथ लोगों के बीच पहुंचकर लोगों को जल संचय और जल संरक्षण के बारे में जानकारी देगा। रथ की रवानगी के मौके पर मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त सुभाष शर्मा और लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव KK पाठक भी मौजूद थे। नौ प्रमंडल के 38 जिलों में घर घर तक, गांव गांव तक ये हमारा संदेश जाए कि जल जीवन हरियाली तभी हो गया। हम लोगों ने 9 अगस्त से प्रोग्राम शुरू किया था और उस दिन लगा करके हम लोगों ने बताया जब तक पौधा नहीं लगेगा तब तक हम लोग जल नहीं इकट्ठा कर पाएंगे और जल नहीं इकट्ठा कर पाएंगे तो जीवन हमारा सबसे नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग मन मन से प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जल का संरक्षण हो, अधिक से अधिक पौधे लगाए जाए। मोबाइल है तो विकास आयुक्त सुभाष शर्मा ने बताया कि ये प्रचार रथ अगले 1 महीने तक सूबे के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे। आपको बता दें, इस अभियान के तहत बिहार भूजल विकास मिशन और लघु जल संसाधन विभाग द्वारा बारिश का पानी बचाने, जल संरक्षण प्रणाली आदि के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। लघु जल संसाधन विभाग ने अभी तक 912 करोड़ रुपए की लागत से 832 आहर पइन, तालाब और चेक डैम का जीर्णोद्धार कराया है। न्यूज़ डेस्क।